नमस्कार, मैं कृति थी हापुड़ हलचल के साथ। मामला है उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव धाना का, जहां एक युवक अपने दो साथियों के साथ बुग्गी लेकर खेत से चारा लेने के लिए गया था। वहां से लौटते वक्त सपनावत नहर में नहाने के दौरान वह पानी में डूब गया और अचानक से पानी की तेज लहरों में बह गया। घटना का पता लगने के बाद से ही परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। डूबने वाले युवक का नाम फुरकान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके साथ जो दो और युवक नहाने के लिए गए थे, जो कि घटना के बाद घबरा गए और वहां से गायब हो गए। घटना का पता तब लगा जब युवक कई घंटे तक अपने घर नहीं पहुंचा और परिजनों ने साथ में गए दोनों दोस्तों से संपर्क किया और उनसे सख्ताई कर पूछताछ की। जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को खबर की, घटना स्थल पर पहुंचे और लड़के की खोज शुरू कर दी। लेकिन अभी 24 घंटों से भी ज्यादा बीत गए हैं और अभी तक लड़के का कोई पता नहीं है। लोगों का कहना है कि मामले में प्रशासन की तरफ से बहुत ढील है और कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। आइए बाकी की जानकारी आपको देते हैं मौके पर मौजूद परिजनों और लोगों के जरिए। ये कल जो लड़का डूबा है, ये कैसे डूबा है जानकारी दें। इतना हादसा में चलाया, ये नीचे उसके पीछे मैं कूदा, यहाँ तक स्कूल के पास तक मैंने देखा, रूम नहीं निकला। हमने को कोशिश करी। तो आपने इसकी जानकारी किसी को दी, पुलिस अधिकारी को? हम सर नहाने के लिए आया था, दो बच्चे और साथ थे इनके। जो अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि बच्चा नहा ऊपर से कूदा, उसके ऊपर से एक बच्चा और कूदा था। कब की घटना है ये? कल 12 बजे की घटना, 12-1 के बीच की कहानी है। आपने इसमें कोई कार्रवाई वगैरह की? कार्रवाई करी जी, हमारे कानून को हमारा साथ नहीं दे रही। मेरे गांव का लड़का कल नियार लेने गया था अपने खेत पर, और वहां से वो नहर पे आ गया अपने दो दोस्तों के साथ। वो उनके साथ नहा रहा था, नहर में डूब गया। करीब कल 12 बजे की घटना है ये। और उसके बाद में उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया गांव में जाकर, वो गांव चले गए। और उसके बाद में 3 बजे जब नहर का टाइम हुआ, उसकी ढूंढेर मची है। बुग्गी हमें जो है नहर पर खड़ी मिली है 3 बजे। उसके बाद में 4 बजे करीब हमने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस वहां पहुंची है और इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। इंस्पेक्टर साहब से गोताखोरों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में कोई गोताखोर नहीं आते हैं, पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई गरीब परिवार की हेल्प नहीं हुई है। गरीब परिवार था ये गाँव का, और अगर कोई मालदार आदमी का कुत्ता भी मर जाता है वहाँ, ये शासन प्रशासन पूरा अलर्ट हो जाता। अभी तक भी कोई गरीब परिवार की कोई पुलिस की ओर से कोई हेल्प नहीं की गई है। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।